हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस्ट। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जीआईपी मेट 2023 एग्जाम की। थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस करेंगे और इसकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है उस पर हम थोड़ा सा नजर डालेंगे। अगर हम एक ओवरव्यू लेते हैं पेपर का, आज 28 मई को एग्जाम हुआ था। टाइमिंग थी 3 to 5:30। टोटल 150 मिनट्स हमें यहाँ मिले थे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में 33 33 क्वेश्चंस और वर्बल एबिलिटी में 34 क्वेश्चंस। क्या किसी तरह की कोई सेक्शनल टाइम लिमिट थी? नहीं। क्या किसी तरह का कोई सेक्शनल कट ऑफ हो सकता है? हाँ, पर वो काफ़ी नॉमिनल वैल्यू होता है, बहुत हाई कट ऑफ। आई एम जम्मू या आई एम बोध गया, किसी ने भी डिसाइड नहीं किया हुआ है। अल्टीमेटली आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो मैटर करता है। 400 मार्क्स का ये पेपर था। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट +4 मार्क्स, मिस्टेक हो गया तो -1। और अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो ना तो कोई मार्क्स अलॉट होंगे ना कोई मार्क्स डिडक्ट होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जेआईपी एमएटी एग्जाम का। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जैसे कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी, तो जब स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो एनटीए ने क्या किया था कि वो लोग जिन्होंने वो इनकरेक्ट क्वेश्चन को या जिन क्वेश्चंस में डाउट था उन्हें अटेम्प्ट किया था, केवल उन्हीं लोगों को बोनस मार्क्स अलॉट किए थे। तो वो स्टूडेंट्स जो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते थे कि उन्हें लगता था कि भाई ये क्वेश्चन तो गलत है, हमें इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, लास्ट ईयर उन स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसान रहा था। अगर हम पेपर की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन था इस बार वो मॉडरेट था। अगेन एक कंपेरिजन करने के लिए हम यहाँ पर बेस ले सकते हैं कि अगर हम रोहतक के पेपर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को देखें और जीआईपी मेट पेपर में देखें, तो आप मान के चलिएगा कि आज जो पेपर आया था वो ऑलमोस्ट उससे डबल लेवल पे था। काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चंस थे और बहुत सारे क्वेश्चंस एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे थे जो लास्ट ईयर भी नज़र आया था, जहां पर आपको दो स्टेटमेंट्स दे दिए गए थे, इन्फॉर्मेशन थी और आपको पता करना था कि बताइए कौन से दो स्टेटमेंट्स में से सही हैं या फॉल्स हैं। लाइक स्टेटमेंट 1 ट्रू है ओनली, स्टेटमेंट 2 ट्रू है ओनली। इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर अराउंड 7 8 पूछे गए थे। इस बार ये नंबर 10 to 12 था और क्वेश्चंस यस ट्रिकी थे, इट वाज नॉट इजी। कुछ स्टूडेंट्स ने यस डेफिनेटली, जिनका बहुत अच्छा स्कोर है, जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बट इवन दे सेड कि उनके लिए ये पेपर ईजी नहीं था। ऑलमोस्ट हर पार्ट को इन्होंने इंक्लूड करने की कोशिश की थी, बट मैं कहूंगा मैथ्स का सेक्शन लास्ट ईयर के मुकाबले भी टफ था और ओवरऑल एक बैलेंस सेक्शन था। कितने अटेम्प्ट हम नॉर्मली यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं? 20 to 30 अटेम्प्ट आपने किए होंगे। यस कुछ स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा, सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आए हैं और एक अच्छा स्कोर मैं कितना मानूंगा, 105+। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 25 26 आपके सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत है। तो अगेन आई एम कीपिंग एन एक्यूरेसी ऑफ 90%। ध्यान रखिए 100% हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, पर हर एक स्टूडेंट के साथ हमेशा ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट था। 24 to 30 अटेम्प्ट नॉर्मल रेंज है जो स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो फीडबैक था उसके अकॉर्डिंग एक सेट में थोड़ा सा इश्यू था, वहाँ पे कुछ एरर थी। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट था। आई होप कि अगर उस सेट में गड़बड़ है और आपने अटेम्प्ट किया होगा तो आपको बोनस मार्क्स जरूर मिलेगा। 110+ स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, राइट? मैं ये कट ऑफ का स्कोर नहीं बता रहा हूँ, मैं ये एक अच्छा स्कोर आपको बोल रहा हूँ। इंग्लिश का सेक्शन मोर लेस जो लास्ट ईयर का इनका लेवल था, जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछते थे ग्रामर के भी, अलग अलग एक्टिव पैसिव भी हो गया या वर्ब भी हो गया, उस तरह के क्वेश्चन थे, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन थे। रीडिंग कॉम्प्रेंशन में हमेशा ऐसा होता है, एक या दो सेट्स तो थोड़े छोटे होते हैं और एक बड़ा सेट होता है, बट ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो इजी था। 28 to 34 अटेम्प्ट, मतलब पूरे के पूरे अटेम्प्ट भी लोगों ने किए हैं। 120+ स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 335+ एक ओवरऑल स्कोर मैं कहूंगा अच्छा स्कोर है। नाउ आप उसको लास्ट ईयर के जो स्कोर थे, जैसे आई एम जम्मू की कट ऑफ थी या आई एम बोध गया की कट ऑफ थी, उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 10th और 12th को वेटेज जम्मू ने दिया था। जेंडर डाइवर्सिटी का बहुत हैवी वेटेज उन्होंने दिया था। इस बार जम्मू की मेरिट लिस्ट मेजरली बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट दैट यू हैव रिटन टुडे। 95% वेटेज आपकी रिटन टेस्ट को है और 5% जेंडर डाइवर्सिटी को है। फीमेल को एडवांटेज है 5 मार्क्स का, एक तरह से आप यूँ समझ लें। बाकी रिटन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे ही रिटन टेस्ट इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल, याद रखिए कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर 360 कट ऑफ जाएगी या 350 कट ऑफ जाएगी, आपको थोड़ा रीजनेबल होना, थोड़ा फैक्ट के साथ इसको कंपेयर करते हैं। नंबर स्टूडेंट जो आई एम रोहतक का एग्जाम देते हैं वो आई एम इंदौर से ऑलमोस्ट हाफ होते हैं, और जिपमेट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स आई एम रोहतक के जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उससे ऑलमोस्ट हाफ होते हैं। दूसरी चीज, वो स्टूडेंट जो आई एम इंदौर की डेडिकेटली तैयारी कर रहे हैं
उनमें से सारे स्टूडेंट जिपमेट का एग्जाम नहीं देते, लेकिन हाँ फिर भी उनमें से मैं कहूंगा कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनके 60-70% स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कट ऑफ हाई कर देते हैं। जब शुरुआत की फर्स्ट लिस्ट आती है तो कट ऑफ हाई चली जाती है, एंड सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे उनको ऑप्शंस मिलते जाते हैं, इंदौर सिलेक्शन हो गया, कहीं और हो गया, रांची हो गया, रोहतक हो गया, तो वो अपनी सीट्स वेकेट करते जाते हैं, तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट होता है उनको मौका मिलता है। हाँ थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये वेट जो है वो लंबा हो सकता है, इट मे टेक सम टाइम कि कुछ एक लिस्ट निकल रही है, फिर सेकेंड लिस्ट निकल रही है, फिर थर्ड लिस्ट निकल रही है, तो आपको ध्यान रखना होगा। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि 335 के ऊपर अगर आपने स्कोर किया है तो आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वो जो कहें कि साहब 90 हमने सही कर दी और 5 हमारे गलत होंगे, ठीक है सुनने में अच्छा लगता है, और हो सकता है ऐसा किया भी हो, बट ऐसे करने वाले बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे। एक अच्छा मैं अटेम्प्ट क्या मानता हूं, 90+ अटेम्प्ट अच्छा है, मेरे 85 सही है, 5 या 6 गलत है, करेक्ट। तो 85 × 4 अगर मैं करता हूं तो 340, 5 कम हो गए तो 335, दैट्स अ गुड स्कोर। लेकिन कट ऑफ मैं थोड़ा सा इस फिगर से भी लोअर जो है वो उम्मीद कर रहा हूँ। कितनी एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, मेरे हिसाब से जनरल के लिए 300+ स्कोर अगर आपने किया है तो यस आपके चांसेस हैं, क्योंकि इस बार का पेपर लास्ट ईयर के मुकाबले टफ था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कट ऑफ भी जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली रिड्यूस होगी। रेस्पेक्टिव कैटेगरी के टेंटेटिव कट ऑफ मैंने यहाँ पर लिखी है। अगेन मेरी अप्रोच बड़ी सिंपल है, मैं पेपर को कैसे जज करता हूँ, जो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर है उनसे कंपेयर करते हैं, हम बच्चों का फीडबैक लेते हैं, हमारे जो मॉक पेपर होते हैं उनमें उनका परफॉर्मेंस क्या है और उससे कंपेयर करते हैं इस पेपर को, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि हाँ इस तरह का नंबर हमारा एक फिगर है जो ऑल इंडिया हम एक एवरेज लेके उसके साथ मूव कर सकते हैं। बट स्टिल आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इवन 80 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं या आपने लेट से 85, 86, 84 किए हैं, 78 भी किए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी क्या है और आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है वो कैसा है। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी मैं वीडियोस के थ्रू आपके पास लेके आऊंगा, जहां पर आई एम जम्मू का सिलेक्शन क्राइटेरिया हुआ या बोध गया का हुआ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब आपको आई एम इंदौर की तैयारी पे लगना है। याद रखिए ये वो पेपर होगा जो आपकी पूरी एनर्जी को एक तरह से चेक कर लेगा, आपके पूरे नॉलेज को, आपके पूरे कमिटमेंट को चेक कर लेगा। अभी भी आपके पास में ऑलमोस्ट 19 डेज, मैं कहूंगा 19 तो नहीं, 18 डेज ही रादर मैं कहूंगा, 18 डेज का टाइम है। 10 to 12 आवर्स डेडिकेटली एफर्ट आपको डालना होगा, मैथ्स का सेक्शन हर टॉपिक के ऊपर कमांड करने की कोशिश करें, और एडवांस वेरिएशन जो है क्वेश्चंस की उनकी प्रैक्टिस करें। इंग्लिश फोकस मोर ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, ग्रामर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस, ईडियम्स आप याद करें, वोकैबुलरी एक लिमिट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं, पर अगर लास्ट ईयर का मैं पेपर देखूंगा तो आई एम इंदौर का पेपर का इंग्लिश का सेक्शन कंपेरेटिवली ईजी था, एंड दैट इज वाई कट ऑफ जो थी वो हाई चली गई। वो स्टूडेंट जो मैथ्स को एंजॉय करते हैं, एक वार्निंग है आपके लिए, प्लीज इंग्लिश को इग्नोर मत करिए, आपको मेहनत करनी होगी इंग्लिश में भी, क्योंकि अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं की तो चाहे आप ऑल इंडिया टॉप ही क्यों ना कर जाएं, आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, इस बात को याद रखें। तो कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट।